नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रचना और स्वाद और सेहत की इस दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कुछ पार्टी होती है या हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ स्पेशल बनाएं। ऐसे में अगर जब बात आलू की आती है तो छोटा हो या बड़ा हो सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। तो आज हम आलू की ऐसी एक फेमस रेसिपी दम आलू बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, साथ ही साथ आप जिनके लिए भी इस रेसिपी को बनाएंगे आपका अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही। तो चलिए बिना देरी किए दम आलू बनाना शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो छोटे आलू लिए हैं, जिन्हें हम बेबी आलू बोलते हैं। इन्हें मैंने अच्छे से उबालकर इन्हें छील लिया है और इस तरीके से कांटे की मदद से हम इन्हें गोद लेंगे। एक एक आलू को हमें अच्छे से प्रिक करना है ताकि जो भी हमारे मसाले हैं उनका फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक जाए। और इस तरीके से मैंने सारे जो आलू हैं हमारे उन्हें प्रिक करके रख लिया है। चलिए अब हम पेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। करी पेस्ट बनाने के लिए मैंने ली है 4 से 5 लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 3 से 4 लौंग, जावित्री, 1 बड़ी इलायची जिसे हल्का सा तोड़ लिया है, 3 हरी इलायची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छील लिया है और साथ ही 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। ग्रेवी को थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ लिए 1/4 टीस्पून हल्दी और उसके साथ ही लिया है 1/2 चम्मच जीरा। इस मसाले को हम मोटा ग्राइंड करेंगे। इस तरह से मैंने इसे थोड़ा दरदरा पीस लिया है। जो आलू हमने पिक किए थे उसे हम इस मसाले के अंदर मैरिनेट करेंगे और इसी के साथ मैंने यहाँ लिया है 1/4 टीस्पून लाल मिर्च। आलू को थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए और इसे थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट देने के लिए मैंने 6 से 7 चम्मच यहाँ गाढ़ा दही काम में लिया है और उसी के साथ मैंने 2 से 3 चम्मच क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच गाढ़ी जो हमारी मलाई होती है वो भी आप काम में ले सकते हैं। क्रीम ऐड करने से क्या होगा, आपके जो आलू है उनमें अंदर तक एक क्रीमी फ्लेवर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम आलू को फ्राई नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें इसे सॉफ्ट टच देने के लिए हमें इसे मैरिनेट करना जरूरी है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसे हम 1/2 घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे। आलू हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिए। अब हम करी की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमने 1 छोटा चम्मच घी लिया है, 1 पिंच जीरा, अच्छे से तड़कने देंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए हैं जिन्हें हमने मोटा काट लिया है। यहाँ मोटा इसलिए काटा है कि हमें बस इसको हल्का सा सॉटे करना है ताकि जो प्याज और लहसुन है उनका कच्चापन निकल जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे हमें यह प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल नहीं पकाना है, हमें सिर्फ इसको हल्का सा सॉटे करना है ताकि जो हमारी कलियां हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएं और उनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। चाहे तो आप प्याज की प्यूरी या टमाटर की प्यूरी भी काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से करी बनाएंगे तो उसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। प्याज हमारे सॉटे हो गए। इस स्टेज पर 10 से 15 मैंने लहसुन लिया है, लहसुन की कली, और इन्हें भी हम अब अच्छे से सॉटे करेंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप ये स्टेप स्किप करके सीधे आप टोमेटो प्यूरी काम में ले सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हम पंजाबी दम आलू बना रहे हैं तो पंजाबी दम आलू को स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए हमें प्याज और लहसुन की ग्रेवी ही बनानी पड़ती है। लहसुन और प्याज हमारे अच्छे से सॉटे हो गए हैं। ये देखिए हमारी सारी कलियां अलग अलग हो गई हैं और इस स्टेज पर जाकर हम यहाँ ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च जिन्हें मैंने स्लिट कर लिया है। उसी के साथ मैंने लिए 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर जिन्हें भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर जाकर हम इसे 1 मिनट के लिए कवर करेंगे और हमें सिर्फ इसको इतना ही पकाना है कि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। देखिए 1 मिनट हो गया है और हमारे टमाटर भी नरम हो गए हैं। अभी हमें इसे ठंडा करना है अच्छे से और ठंडा करके हमें इसे पीसना है। इस स्टेप पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मसाला है गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको भी नुकसान हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद ही पीसें। मैंने यहाँ इसे मिक्सी जार में ले लिया है और इसे पीस के मैंने अच्छे से इसे छान लिया है। छानने के पीछे कारण ये है कि आपकी जो ग्रेवी है उसको एक क्रीमी टेक्सचर मिलता है। पैन गर्म किया और उसके साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच घी ऐड किया। ये सब्जी हम घी में बनाने जा रहे हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप यहाँ कोई भी रिफाइंड ऑयल काम में ले सकते हैं। 2 बड़े तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून राई, साथ ही 1/4 टीस्पून हींग। यहाँ खड़े मसाले मैंने काम में नहीं लिए हैं क्योंकि हमने जब करी पेस्ट बनाया था तो हम सारे खड़े मसाले हम पहले ही मैरिनेशन में हम लोग काम में ले चुके हैं। अभी हम यहाँ इस स्टेज पर ऐड करेंगे प्यूरी, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि छानने से जो हमारी जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर कितना क्रीमी हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप सीधे से पीस कर भी डाल सकते हैं।
ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको प्यूरी छाननी है कि नहीं छाननी है, लेकिन अगर आप उसे छानकर काम में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी इसे हम अच्छे से पकने देंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि बबल सारे और हमारी जो ग्रेवी है वो तेज छोड़ने लगी है। इस स्टेज पर जाके हम अपने मैरिनेटेड जो आलू है हम यहाँ ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ तेज कर दिया है और यहाँ इस स्टेज पर जाकर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, धनिया पाउडर। धनिया यहाँ मैंने कम लिया है क्योंकि हम पहले ही साबुत धनिया काम में ले चुके हैं। उसी साथ ग्रेवी को कलर देने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। कहा जाता है दम आलू आप जितनी मंदी आंच पर पकाएंगे उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आता है, और शायद इसी वजह से उसको दम आलू कहा जाता है क्योंकि दम का मतलब होता है धीमी आंच पर पकाना। अब हमें इसे 5 से 8 मिनट हम लोग इसे कवर करके मंदी आंच पर पकाएंगे ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे से अंदर तक जाएं। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर हमारी सब्जी का आया है, जो घी है पूरी तरह से साइड में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, हमारे आलू भी अच्छे से भून चुके हैं और ये सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पर जाकर हम लोग यहाँ ऐड करेंगे नमक। नमक आपको टेस्ट के अनुसार रखना है। और इसी के साथ हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिया के साथ। और ये दम आलू हमारे तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें इसे सर्व नहीं करना है। जैसा कि मैं अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ कि जब भी हमारी कोई सब्जी बनती है तो उसे हमें इमीडिएट सर्व नहीं करना है, उसे कुछ देर बाद हमें सर्व करना चाहिए ताकि जो भी हम गार्निश करते हैं तो उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इस स्टेज पर फ्लेम कर दिया है मैंने ऑफ, इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए कवर करेंगे। और ये दम आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। सर्व करने से पहले जो हमारे बड़े तेज पत्ते हैं उन्हें हम निकाल देंगे ताकि खाने के बीच में ना आए, क्योंकि हमें सिर्फ इनका फ्लेवर चाहिए होता है जो कि हमारी सब्जी में पूरी तरीके से आ चुका है। ये देखिए आपके यम्मी दम आलू तैयार है और इसे हम सर्व करेंगे स्टीम्ड राइस, या आप चपाती के साथ या नान के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे गार्निश करेंगे हरे धनिया से। ये देखिए ये आपके दम आलू बिल्कुल तैयार है। तो खाइए और खिलाइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी आज की रेसिपी, तो मिलते हैं फिर किसी नए फ्लेवर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।